हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने इन्फिनिक्स नॉट 40 प्रो एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन की ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपका फोन ओवरहीट होता है ना, तो सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन की जो ब्राइटनेस होती है ना, ब्राइटनेस को आपको ना फुल नहीं रखना है। ब्राइटनेस अगर आप फुल रखेंगे तो इससे आपका मोबाइल फोन ओवरहीट होता है। ब्राइटनेस को कम रखना है, यानी कि जितनी जरूरत है उतना ही रखना है, ठीक है। और देखिए, जब कभी आप जो है ना अपने मोबाइल फोन में, ठीक है, कभी कोई गेम खेलते हैं ना इंटरनेट चालू करके, तो इससे भी हमारा मोबाइल फोन हीट होता है, ठीक है। अब देखिए, अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन में आपका फाइल का ऐप है, इसे ओपन कर लेना है। अब इसमें आपको नीचे ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप का ये ऑप्शन टैप करना है। इस वाले पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको एंड्रॉइड सिस्टम का ये ऑप्शन टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे स्टोरेज एंड कैच पर टैप करना है, यहाँ पर आपको क्लियर कैच पर टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने फोन को अगर ज़्यादा देर तक यूज़ करते हैं ना, जैसे मान लीजिए एक दो घंटे यूज़ करा, इसके तुरंत बाद अगर आप फोन को चार्जिंग पे लगा देंगे तो इससे आपका फोन ओवरहीट होगा। ऐसा नहीं करना, मोबाइल फोन को थोड़ा रेस्ट देना है 15-20 मिनट का, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है, फिर चार्जिंग पे लगाना है। देखिए दोस्तों, एक बात खास करके ये ध्यान रखने की, गर्मियों का जो सीजन होता है ना, गर्मियों के सीजन में हमारा फोन रखे रखे गर्म हो जाता है, क्योंकि हमारा जो एनवायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग ये फोन अपने आप ही गर्म होने लगता है, ठीक है। तो फोन को ऐसी जगह रखना है जहाँ पे थोड़ी ठंडक हो, ठीक है। अब देखिए, अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर आपको सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, नीचे आपको ये ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करेंगे दोबारा, तो इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए तरीके आपको यूज करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।